वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं आपको सिखों के मौजूदा गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में बताऊंगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ऊंची जातियों एवं नीची जातियों के महापुरुषों की वाणी दर्ज है, जिसमें 6 सिख गुरु साहिवान, 15 भगत साहिवान, 4 गुरु सिख और 11 भट्ट साहिवान शामिल है। सबसे पहले बताते हैं गुरु साहिवान के बारे में, जिनमें शामिल हैं श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी और श्री गुरु तेग बहादुर जी। भगत साहिबान में शामिल हैं भगत श्री जयदेव जी, भगत श्री शेख फरीद जी, भगत श्री त्रिलोचन जी, भगत श्री नामदेव जी, भगत श्री साधना जी, भगत श्री रामानंद जी, भगत श्री कबीर जी, भगत श्री धन्ना जी, भगत श्री पीपा जी, भगत श्री सैन जी, भगत श्री रविदास जी, भगत श्री भीखण जी, भगत श्री सूरदास जी, भगत श्री बैनी जी और भगत श्री परमानंद जी। अब बात करते हैं गुरु सिख के बारे में, जिनमें शामिल है भाई मर्दाना जी, बाबा सुंदर जी, भाई सत्ता जी और भाई बलवंड जी। अगला है भट्ट साहिबान, जिनमें शामिल हैं श्री कलसहार जी, श्री गयन जी, श्री भीखा जी, श्री कीरत जी, श्री मथुरा जी, श्री जलाब जी, श्री नल जी, श्री शल जी, श्री भल जी, श्री बल जी और श्री हरबंस जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कुल 1430 पन्ने हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहली बार प्रकाश
श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर पंजाब में 30 अगस्त 1604 ईस्वी में बाबा बुढ़ा जी साहिब द्वारा किया गया था, जिसमें पहला हुक्मनामा जो आया था संता के कारज आप खलोया हर काम करावण आया राम धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु गद्दी की बख्शीश 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में नंदेर महाराष्ट्र में दी थी और हुक्म किया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरा की देन, जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मेले। वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार, जो श्रद्धा करके सेव दे गुरु पार उतारण हार। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, खोर हुए सब मिलेंगे बचे सरन जो होए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।